यूपी के जनपद संभल में अवैध रूप से वाहनों पर होटल लगाकर घूम रहे लोगों पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर लगी होटल को न सिर्फ उतरवा है बल्कि 10,000 रुपए का चालान भी किया है। वहीं बीजेपी नेता की गाड़ी से होटल उतारने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें, संभल जिले में इस समय अवैध रूप से वाहनों पर होटल लगाने का रिवाज हो गया है। यहाँ पर छोटे बड़े नेता की गाड़ी पर होटल दिखा जा सकता है। गाड़ियों पर होटल लगाकर सड़क पर चलने वाले कथित नेताओं की दबंगई भी आए दिन देखने को मिलती है। वहीं शासन के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि गाड़ियों पर होटल लगाकर चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि संभल जिले में सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है और इसके तहत अवैध रूप से वाहनों पर होटल लगाकर चलने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। विगत दिनों से लगातार ट्रैफिक पुलिस न सिर्फ वाहनों पर लगे होटल उतारने का काम कर रही है बल्कि जुर्माना भी लगा रही है। बीते दिनों किसान नेताओं की गाड़ी पर लगे होटल को ट्रैफिक पुलिस ने उतारा था। ताजा मामले में ट्रैफिक पुलिस ने एक बीजेपी नेता की कार पर लगे हूटर को उतारा है। पुलिस ने चौराहे पर ही गाड़ी पर लगे हूटर को ना सिर्फ उतारा है बल्कि उस पर 10,000 रुपए का चालान भी किया है। हालांकि बीजेपी नेता की गाड़ी से हूटर उतारने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने जिस गाड़ी से हूटर उतारा है वह गाड़ी पम्वासा मंडल अध्यक्ष की बताई जा रही है। वर्तमान समय में हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, इसी के अंतर्गत अभियान के अंतर्गत ही जो होटल लगी गाड़ियां हैं जो ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है, इसी के मद्देनज़र आज चौधरी सराय चौराहे के पास में एक गाड़ी खड़ी थी जिसके ऊपर होटल लगाए थे। ड्राइवर को खोजा गया तो ड्राइवर साइड में निकल गया, तो उस गाड़ी का चलान किया गया और उस गाड़ी के होटल करवा के चौकी कोतवाली में जमा करा दिया। संभल कोतवाली विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।